अगर आप सीरियसली एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को देखो, जरूर देखो, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो जब चैनल क्रिएट करने का ख्याल मेरे दिमाग में आया तो फिर मैंने तो फटाक से एक चैनल क्रिएट कर लिया, लेकिन जब बात आया वीडियो शूटिंग कैसे करें तब मेरा लग गया सच में, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे पास ना था एक अच्छा खासा कैमरा एंड उसी के साथ मतलब कैसे शूट करते हैं, कैसे क्या कुछ करते हैं, कोई भी आइडिया नहीं था मेरे पास इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। सो मैंने यूट्यूब पर काफी सारे वीडियोस देखे कि स्मार्टफोन से कैसे वीडियो को शूट करते हैं, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारे क्रिएटर्स ने वीडियो को बना कर रखा है कि कैसे अपने स्मार्टफोन के साथ आप वीडियो को शूट कर सकते हो प्रोफेशनली, लेकिन मैंने देखा है कि सभी ने ऊपर ऊपर की बातें करके छोड़ दिया वीडियो को, लेकिन जो अंदर की बात है उसके बारे में डिटेल में किसी ने नहीं बताया। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाओ। हेलो फ्रेंड्स, महाकाश और आप देख रहे टेक्निकल्स का यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो है वो एक्चुअली स्मार्टफोन से शूट हो रहा है, आप देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग पर ही ये मेंशन कर दिया था कि अगर आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करने में एकदम से सीरियस हो एंड चाहते हो एकदम से प्रोफेशनली जो है फेस कैम को रिकॉर्ड करना, आई मीन प्रोफेशनल लुक के साथ वीडियो को शूट करना चाहते हो कुछ इस तरीके से, तो फिर आपको किन किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा उसी के बारे में ये वाला वीडियो है। एकदम से फुल ट्यूटोरियल मैंने इस वीडियो पर डिस्क्राइब करके मैंने बताया है। सो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना एंड उसी के साथ देखना लास्ट तक, स्टार्ट करते हैं। सो सीधा पॉइंट पर आते हैं कि अगर आप अपने स्मार्टफोन पर वीडियो को प्रोफेशनली शूट करना चाहते हो लाइक दिस, तो फिर आपको क्या क्या करना है, ध्यान से देखना वीडियो को। वीडियो शूट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने स्मार्टफोन पर जो है फ्लाइट मोड का ऑप्शन आपको देख रहा होगा, उसको पहले तो अनेबल कर लो, क्योंकि मान लो कि आप वीडियो को शूट कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, उसी के टाइम आपके पास कोई भी कॉल आपको दिख रहा है तो फिर तो बात ही खत्म, वीडियो कचरा हो जाएगा एकदम से। सो ध्यान से फ्लाइट मोड को जो है टर्न ऑन कर लेना किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त, अगर आप प्रोफेशनलिज्म चाहते हो तो। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपके स्मार्टफोन का जो लेंस है बैक साइड का और फ्रंट साइड का, मान लो कि अगर आप अपने फ्रंट कैमरे से शूट करना चाहते हो तो फिर अपने फ्रंट कैमरे को अच्छे से पोछ लो किसी भी ऐसे टाइप के कपड़े के साथ जिससे आप चश्मा पोछते हो। उसके बाद बैक साइड का जो कैमरा है उसको भी अच्छे से रगड़ लेना ताकि फुटेज पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। उसके बाद सभी स्मार्टफोन पर तो दो किस्म के कैमरास अवेलेबल है, लाइक बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा। अभी बात आता है कि आप कौन से कैमरे से शूट करोगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना जो बैक कैमरा है, बैक साइड का जो कैमरा है उससे आप रिकॉर्ड करो, तो फिर आपका जो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा एज कम्पेयर टू द फ्रंट कैमरा। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि स्मार्टफोन का जो बैक कैमरा होता है उसका मेगापिक्सल्स बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फ्रंट कैमरा। सो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वहाँ पर बहुत ही अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक फोकस आप कर सकते हो जो कि फ्रंट कैमरे पर नहीं होता। और ये है इसका फ्रंट कैमरा, दोनों में आपको थोड़ा सा क्वालिटी का डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। सो अभी आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा वाला सही है। अभी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे मेन जो चीज़ होता है वो होता है एक अच्छा खासा लाइटिंग। सो अगर आप आउटडोर शूट करते हो तो फिर तो सबसे अच्छा खासा सोर्स जो है वो है आउटडोर लाइटिंग, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इनडोर रिकॉर्ड करना मतलब कि वीडियो को शूट करना, तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि जुगाड़ करके कैसे भी आप LED बल्ब लगा के दोनों साइड पर आप लाइटिंग का कर सकते हो कुछ भी। अदरवाइज अगर आप रियली में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर आप सॉफ्ट बॉक्स को भी परचेस कर सकते हो, लेकिन एज फर्स्ट टाइम मैं ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप पहले ही टाइम पर इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर लो। सो अगर आप एज ए स्टार्टअप करना चाहते हो तो फिर मैं आउटडोर जो लाइटिंग है उसको रेकमेंड करूंगा, उससे जो है बिजली का खर्चा बच जाता है। अभी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जो पीछे का बैकग्राउंड होता है वो भी काफी ज्यादा मैटर करता है। सो आप डिफरेंट बैकग्राउंड्स को जो है अप्लाई करके देख सकते हो, अलग अलग बैकग्राउंड्स को आप देखो उसके बाद जाके वीडियो को शूट करना। बेसिकली मैं इनडोर के लिए ये प्रीफर करूंगा कि आप पीछे का जो बैकग्राउंड है वो एकदम से डीप कलर का कुछ भी रख दो, लाइक जो पेपर होता है ना बहुत सारे, आप नॉर्मली पेपर को वॉल पर चिपका लो, उसके बाद जाके सामने आप कैमरा रख के वीडियो को शूट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आउटडोर जाके किसी भी वीडियो को शूट करना और आपको अच्छा खासा बैकग्राउंड चाहिए, तो फिर आप किसी भी पार्क पर चले जाओ, उस पर आपको अच्छा खासा मतलब पेड़ पौधे देखने को मिल जाता है, उसके सामने आप जाके
वीडियो को शूट कर सकते हो लाइक दिस। सो जो बैकग्राउंड है उसको स्टील करके पकड़ कर रखने के लिए तो जो अपना स्मार्टफोन है उसको एक स्टेबल जगह पर आपको रखना पड़ेगा। सो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक ट्राइपॉड परचेस कर लो जो कि अमेजोन पर 400-500 रुपए के अंदर आपको मिल जाता है। अदरवाइज आप जुगाड़ कर सकते हो, लेकिन मैं ये प्रीफर करूंगा कि अगर आप स्टार्टअप करने के लिए एक अच्छे जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिर आप ट्राइपॉड पर कर लो, 400-500 रुपए में आप कर सकते हो। सो ये है एक्चुअली सिंपेक्स का एक ट्राइपॉड जो कि स्मार्टफोन्स के लिए बेसिकली बनाया गया है। ऐसे ही काफी सारे जो है ट्राइपॉड्स अवेलेबल है अमेजोन पर। इन सभी का जो बेस्ट बाय लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, आप वहीं से परचेस करना, उससे आपको जो ट्राइपॉड है वो अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप फ्रंट कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड करने जाओगे तो फिर तो आपको फ्रेम का पता चल जाएगा कि मतलब बैकग्राउंड पर क्या क्या है क्या नहीं, आप कहां पर हो, मिडिल पर हो या फिर नहीं। लेकिन दिक्कत तब आता है जब आप अपने स्मार्टफोन का जो बैक साइड का कैमरा है उससे वीडियो को रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि हमें उस टाइम पे फ्रेम का पता नहीं चल पाता। सो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बैक साइड का जो कैमरा है स्मार्टफोन का उससे वीडियो को रिकॉर्ड करने जाओगे तब आप कुछ वीडियो सैंपल्स ले लेना कि जो सब कुछ ठीक है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज आप अपने फ्रेंड को भी कह सकते हो कि तू देख जो फ्रेम है वो सही है कि नहीं। एक अच्छी क्वालिटी का वीडियो कैप्चर करने के साथ ही साथ मैटर करता है कि उस वीडियो का साउंड क्वालिटी कैसा है। सो मैंने यूट्यूब पर कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था कि आप कैसे प्रोफेशनली जो है अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के जरिए। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन पर तो अवेलेबल है ही, आप वहां पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। सो भी बात करते हैं टाइमिंग के बारे में कि आप अपना जो वीडियो है उसको किस टाइम पे रिकॉर्ड करोगे। अगर आपका घर एक ऐसे जगह पर है जिसके आसपास में कोई भी रोड वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम से मतलब नॉइस फ्री है, तो फिर आप किसी भी टाइम पर जो है अपना जो वीडियो है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर आपका घर एक ऐसे जगह पर है जिसके साइड पर रोड है और हमेशा गाड़ी जो है वो चलता रहता है, लाइक मैं जहां पर रेंट पर रहता हूं उसके साइड पर एक रोड है, हमेशा मतलब दिन का टाइम पर तो पूछो ही मत, हमेशा एक गाड़ी का मतलब आना जाना चलता रहता है और मेरे को वेट करना पड़ता है कि कब जाके सब कुछ नॉइस फ्री होगा। सो मैं क्या करता हूँ कि दिन के टाइम पे मैं जितना भी एडिटिंग का काम है उसके बाद जितना भी काम है मैं उनको सभी को निपटा लेता हूँ, उसके बाद जाके रात 12 बजे के बाद जाके मैं वीडियो को शूट करने बैठता हूँ। एज यू कैन हियर कि अभी शायद आपको कुछ नॉइस सुनने को मिल रहा होगा क्योंकि अभी 8:05 हो रहा है, आप देख सकते हो। सो आप ना अपना एक रूटीन बना लेना कि आपको कितने बजे मतलब वीडियो को शूट करना है, किस टाइम पे आपका जो घर है वो एकदम से नॉइस फ्री रहता है, सब कुछ मतलब डिस्टर्बेंस। सो हो गया, अभी तो आप रेडी हो कि कैसे एकदम से वीडियो को शूट करना है, सब कुछ परफेक्ट है। अभी बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में कि लाइक कैमरे के सामने कैसे बात करते हैं। जब भी आप कैमरे के सामने कुछ भी बोलोगे तो फिर मेक श्योर दैट कि आप कैमरे के सामने ही देखकर बोल रहे हो। अदरवाइज क्या होता है कि मान लो कि आप फ्रंट कैमरे से वीडियो को शूट कर रहे हो तो फिर हम अपने स्क्रीन के ऊपर ताकते रहते हैं कि कैसा दिख रहा है सब कुछ। सो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि मानो जो वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है वो किसी दूसरे जगह पे देख कर ताक कर बोल रहा है कुछ भी, लाइक ऐसे करके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्काई यूट्यूब चैनल। सो आप कैमरे के सामने ही ताक कर कुछ भी बोलना तो फिर ऐसे लगेगा कि मानो आप ऑडियंस के सामने उनके ओर देखकर कुछ भी बोल रहे हो। उसके बाद आप जिस टॉपिक पर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो, कि वीडियो को शूट कर रहे हो, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप किसी भी जगह पर कुछ लिख लो, कि मेन पॉइंट्स आप लिख लो कि लाइक आप किन किन पॉइंट्स को मतलब मिस नहीं करना चाहते। इससे ये होगा कि आपका जो वीडियो है वो फुल्ली कंप्लीट होगा, अदरवाइज कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है। और प्रैक्टिस करते रहो, बार बार बोलो किसी भी लाइन को, अगर आपको परफेक्शन लाना है तो कट करके आप उस वीडियो को एडिट करके ठीक कर पाओगे। एडिटिंग के ऊपर एक वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्द, लाइक कैसे आप अपने स्मार्टफोन पर जो है वीडियो को प्रोफेशनली एडिट कर सकते हो। अगर आपको जल्द से जल्द चाहिए तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन पर बोलो कि हाँ भाई चाहिए मेरे को। सो ये था एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल वीडियो कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन पर जो है वीडियो को शूट कर सकते हो एंड किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। आप इन सभी को फॉलो करो एंड वीडियो को शूट करो, अपना चैनल को स्टार्ट करो, ग्रोथ लाओ एंड एंजॉय बॉस। ऑलराइट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फिर जरूर से इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके कि अगर वो भी एक चैनल स्टार्ट करना चाहता है एंड कैसे शूट करता है कोई भी आइडिया नहीं है तो फिर इस वीडियो को आप सजेस्ट कर सकते हो। वेल, जिन तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, मिलता है वीडियो के साथ। सो गुड बाय।